नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलीगुड़ी टाइम्स में। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के 353वें जन्म जयंती आज देश और दुनिया में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सिलीगुड़ी के सेवक रोड स्थित गुरुद्वारा को जगमगाती रोशनी और फूलों से सजाया गया है। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से बताया गया है कि आज लगभग 20,000 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं की पहुंचने की उम्मीद है, जिनके लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई है। वहीं इस मौके पर राज्य के युवा एवं खेल विभाग के मंत्री तथा दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस के पर्यवेक्षक अरूप विश्वास एवं दार्जिलिंग जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष रंजन सरकार, पार्षद नान्टू पाल सहित हजारों की तादाद में श्रद्धालुगण मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारा पहुंचे। मैं यहाँ पे सिलीगुड़ी टाइम्स से आए हुए आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम सिलीगुड़ी गुरुद्वारे में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 353वां जन्मदिवस मना रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में जब हुआ, तब समाज में लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे थे, आपसी भेदभाव और एक दूसरे के विरुद्ध लोग धर्म के नाम पे लड़ाई कर रहे थे। ऐसे समय में गुरु गोविंद सिंह जी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ सभी मनुष्यों को एक बराबर दर्जा दिया जाए, धर्म के नाम पे लोग नहीं लड़ें। उन्होंने खालसा पंथ सजाया 1699 में, जब सिर्फ 13 वर्ष के थे, और खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने फरमाया, मानस की जात सबे एक ही पहचान बो, यानी समस्त मानुष जाति एक है, सभी मनुष्य एक हैं। धर्म लोग अपने अपने विचार हैं, लोगों के पहनावा अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, इसलिए लोग अलग दिखते हैं, परंतु सभी मनुष्य बराबर हैं, कि कोई छोटा बड़ा नहीं। सभी के धर्म अपने अपने विचार हैं, धर्म पे नाम पर कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और इसी प्रथा को मानते हुए हम लोग जो लंगर की प्रथा गुरुद्वारे में चलाते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं, सभी एक साथ बैठ कर के एक ही लंगर, एक ही जगह बैठ के लंगर खाते हैं। चाहे कोई किसी भी पदवी पर हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति धर्म का हो, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक बराबर हैं। हम ये गुरु गोविंद सिंह जन्मदिन का जो उत्सव चल रहा है, ये पिछले 10 दिनों से मना रहे हैं। आज सुबह से यहाँ गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार चल रहा है, जिसमें गुरु जीवन और गुरु इतिहास पे प्रकाश डाला गया और कीर्तन हुआ यहाँ पे। आज इस विशेष उपलक्ष्य पे मैं सिलीगुड़ी के सभी नगरवासियों को, सिलीगुड़ी की समस्त संगत और सिलीगुड़ी के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बधाइयाँ देता हूँ।